यूपी के हरदोई जिले से जहां लड़के के गायब हो जाने के कारण पीड़ित की मां का रो रो कर हुआ बुरा हाल। जी हां, खबर यूपी के हरदोई जिले के थाना बेनीगंज से, जहां एक दुखद मामला सामने आया हुआ है जिसको लेकर पीड़ित की मां का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। आपको बताते चले कि ग्राम कोरोना कला से पीड़ित महिला राम बेटी ने बताया कि 2 मार्च को मेरा लड़का गायब हो गया था। सुबह 10 बजे मेरा लड़का 18 वर्षीय नरेंद्र पुत्र स्वर्गीय बैजनाथ घर से बगैर बताए निकल गया। तब से घर अभी तक वापस नहीं आया है, ना ही उसका अभी तक कोई पता चला है, जिसकी तलाश में पूरे परिजन रिश्तेदार सहित लगे हुए हैं, मगर अभी तक किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। जिसको लेकर दिनांक 11 मार्च को बेनीगंज कोतवाली में मैंने तहरीर दी है, पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है उचित कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित की मां ने बताया कि हमारे जिम्मेदार सरकार से यही मांग है कि जहां कहीं भी हमारा लड़का हो जल्द से जल्द ढूंढ के हम तक पहुंचा दिया जाए। देखिए हरदोई से पीयूष तिवारी की रिपोर्ट। आया है जिसमें पीड़ित मां का एक बेटा 18 वर्षीय गायब हो गया है। पीड़ित मां का रो रो कर बुरा हाल हुआ है और पीड़ित मां गुहार लगा रही है हमारा लड़का हम तक सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से हम तक सुरक्षित पहुँचा दिया जाए। हम जानकारी लेते हैं पीड़ित माँ से। क्या नाम है माता जी आपका? राम बेटी। कौन सा गांव है? कोराखला। ब्लॉक कौन सा है? कठावा। जिला कौन सा है? जिला हरदोई। क्या समस्या है आपकी? हमारा भैया गायब है। लड़का गायब हो गया है? क्या नाम है लड़के का? नरेंद्र। कब गायब हुआ है लड़का आपका? 2 मार्च को। अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिली हुई आपको? अच्छा, बता के नहीं गया था कि आप लोगों को? नहीं गया। अच्छा, मतलब जब से गायब हुआ है इसकी कोई सी पुलिस प्रशासन या किसी को जानकारी दी है? नहीं दी है, आज दी है। आज दियो? हाँ। अप्लीकेशन दियो? हाँ। बेनीगंज थाने में? हाँ। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या बताया गया आपको, क्या आश्वासन दिया गया हुआ है? नहीं बताया नहीं है पुलिस विभाग प्रशासन के जो भी है कर्मचारी, उन्होंने बताया नहीं है कि आपके इस पे क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या कार्रवाई, कुछ ना इनका बता ही नहीं है, कहीं की जाओ तुम अखबार निकलवाओ। अखबार निकलवाओ? अच्छा, पेपर के माध्यम से निकलवाओ। हाँ। जाकर तो जो भी रिलेशन के थे, जो भी रिश्तेदार थे, वहाँ सारी जानकारियाँ कहीं है, कहीं पे अभी तक सूचना नहीं मिली हुई है? सब कहूँ जानकारी करी गई है, कहूँ नहीं सूचना मिली। तो आप सरकार से क्या आवाज़ उठाना चाहती हैं? आवाज़ उठाना चाहती है कि हमारी सरकार सुरक्षित लड़का भेज दे भैया ना। अच्छा, तो यहाँ पे जे पीड़ित माता जी हैं और इनका जे आरोप है कि जो हमारा लड़का गायब हुआ है, सरकार प्रशासन, पुलिस प्रशासन या सरकार करे के जिम्मेदार अधिकारियों या प्रशासन विभाग अधिकारियों से यही इनकी गुहार है कि कहीं भी हमारा लड़का हो हम तक सुरक्षित पहुँचा दिया जाए, क्योंकि पीड़ित माँ की एक गुहार है, एक बहुत ही